नमस्ते दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज करेंगे बात चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में। चेन्नई में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के मालिकों को चेन्नई नगर निगम को चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना होता है। शहर के रखरखाव और इसके विकास में चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स काफ़ी मदद करता है। यहाँ के निवासियों को ये इंश्योर करना चाहिए कि वो हर साल सितंबर और 31 मार्च तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान ज़रूर कर दें। चेन्नई में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के प्रोसेस को जानने से पहले आइए समझते हैं कि चेन्नई में रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। इंडिविजुअल हाउसेस, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स जिन्हें किसी कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पसेस के लिए किराए पर नहीं दिया गया है, उन्हें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। वहीं दूसरी ओर दुकानों, ऑफिसेस, मॉल्स, मूवी थिएटर्स और पार्टी या मैरिज हॉल्स को चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े उद्देश्यों के लिए नॉन रेजिडेंशियल माना जाता है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन पे कैसे किया जाता है। चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे करने के लिए स्क्रीन पर नजर आ रही वेबसाइट पर जाएं और यहां प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट पर क्लिक करें। अगले पेज पर जोन नंबर, डिवीजन कोड, बिल नंबर और सब्जेक्ट नंबर जैसी डिटेल्स भरें। फिर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने हाल ही में अपनी प्रॉपर्टी में कोई मॉडिफिकेशन किया है। यहाँ अपना सही जवाब चुनें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद प्रॉपर्टी और फ्लोर डिटेल्स के साथ एक पेज पर आप पहुंच जाएंगे। यहां आपको पे टैक्स ऑनलाइन ऑप्शन नजर आएगा जिसे आपको क्लिक करना पड़ेगा और अपनी पसंद के पेमेंट गेटवे को चुनकर प्रॉपर्टी टैक्स चेन्नई पेमेंट के साथ प्रोसीड करना होगा। यहां ये नोट करें कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए नल ट्रांजैक्शन के साथ चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स पेज पर प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ऑफलाइन पे करने के लिए आपको एक चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी करना होगा जिसे द रेवेन्यू ऑफिसर कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई को एड्रेस किया जाएगा। चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट्स ऑथोराइज बैंक्स, टैक्स कलेक्टर्स, ई सेवा सेंटर्स और तालुक ऑफिसर्स में TACTC को जमा किया जा सकता है। आप ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन मोबाइल ऐप नम्मा चेन्नई का इस्तेमाल करके अपने चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें और अपने प्रॉपर्टी टैक्स चेन्नई का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें। फर्स्ट टाइम यूजर्स को पहले नम्मा चेन्नई ऐप के साथ रजिस्टर करना होगा और फिर पेमेंट के लिए प्रोसीड करना होगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर को यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में। चेन्नई में पे किए जाने वाली अप्रोक्सीमेट प्रॉपर्टी टैक्स तक पहुंचने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स चेन्नई पेज पर प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेटर ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां जोन, वार्ड और गली का नाम चुनें और फिर फ्लोर डिटेल्स, रेजिडेंशियल पोर्शन, नॉन रेजिडेंशियल पोर्शन दर्ज करें और कैलकुलेट डिमांड पर क्लिक कर दें। इस प्रोसेस के बाद आप अपनी चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स की कैलकुलेशन देख पाएंगे, लेकिन यहाँ ये याद रखें कि ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जो कि पे किए जाने वाले एक्चुअल प्रॉपर्टी टैक्स से कुछ अलग हो सकता है। अब अगर आप चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पेमेंट के बारे में जान गए हैं तो फिर आगे इसकी रिसिप्ट आपको कैसे मिल सकती है वो भी जान लीजिए। चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के बाद चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स पेज के प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पूछी गई डिटेल्स दर्ज कीजिए और फिर आप अपनी रिसिप्ट तक पहुँच सकते हैं। यहाँ एक सवाल बनता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स सही वक्त पर पे ना कर पाए तो इसके लिए किस तरह के प्रोविजंस हो सकते हैं। चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स का समय पर भुगतान नहीं करने के मामले में ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन डिफॉल्टर्स को 1% के रेट से दंडित करता है और 15 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद निर्धारित मूल्य के साथ ऑटोमेटिकली चार्ज किया जाता है। यहाँ ये ध्यान रखें कि अगर आप प्रॉपर्टी या इसके नाम में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आपका कोई बकाया ना बचा हो। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो के जरिए चेन्नई प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़े आपके सभी डाउट्स पूरी तरह क्लियर हो गए होंगे। फिलहाल आज के हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।
For more such videos, subscribe to housing.com's YouTube channel and hit the bell icon.